जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिस्टर लव और आप देख रहे हैं मिस्टर लव पाकिस्तान। आज बहुत ही प्यारे पाकिस्तान शोबज इंडस्ट्री के लेजेंड सितारे जो किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, इज़्ज़त माब सैयद नूर साहब, उनके साथ मैं मौजूद हूँ। उनसे आज करेंगे बड़ी ही प्यारी और राज की बातें। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम। तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, बड़ों के रखे हुए नाम ग़ुलाम मुइनुद्दीन, उससे सैयद नूर अपना नाम मनवाया, ऐसी इसको बगावत कहेंगे या क्या वजह थी, नाम क्यों चेंज किया आपने? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस ज़माने में मैं जर्नलिज्म कर रहा था, पढ़ भी रहा था और साथ में वो भी, तो उस ज़माने में मैंने अपने नाम के साथ नूर लगाया, ग़ुलाम मुइनुद्दीन नूर। तो जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उसको मुख्तसर कर दिया, पहला नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सैयद जो है वो लेके, तो साथ में वो नूर रख के बीच का वो स्किप कर दिया। और जो ग्वाल मंडी में एक मज़ार है, उसके साथ सैयद नूर साहब का क्या रिश्ता है? हम उनकी औलाद हैं और वो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो माइग्रेट करके ईरान से आए थे यहाँ पे तबलीग के लिए। तो मेरा पूरा ख़ानदान आज भी तबलीग में मसरूफ़ है और पीरी मुरीदी उनकी चल रही है, लेकिन आई एम डिफरेंट पर्सन। ये पीरी मुरीदी से भी बगावत, इसकी क्या वजह है? उसको क्यों छोड़ दिया, इसकी क्या वजह है? नहीं बगावत नहीं, इस रियलिटी है। आपको सिर्फ पीरी मुरीदी करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन ये काम करने के लिए मैं ही वाहद इस ख़ानदान से हूँ जिसने ये आर्ट का शोबा इख्तियार किया, इसमें फिल्म मेकिंग एंड लिखना, डायरेक्शन, राइटिंग सब उसमें शामिल। जादू टूना, इसका बड़ा खौफ है, तो क्या कभी आपको भी डर लगा किसी जादू टूने से? नहीं, मेरा तो बिलीव ही नहीं है इस पे, जादू टूना पे, और सब कुछ जो है के दौर में कुछ भी नहीं है। यानी कि आपको नहीं लगता कि कोई आप पे जादू करे, आपके प्रोजेक्ट में कोई रुकावट हायल करे, ऐसा नहीं हो सकता? यानी नहीं, आप तो वैसे उम्र भी नहीं रही कि मुझ पे जादू किया जाए, और वैसे भी मेरा बिलीव नहीं है आपको बताया जादू वादू। अच्छा, बचपन में आपकी वालदा मोहतरमा आपको मोहम्मद बिन कासिम जैसे जर्नैल की बातें सुनाया करती थी, इनकलाबी जोश की बजाय ये रोमांस, ये आइटम सॉन्ग का शौक कैसे पैदा हुआ? देखें, इंसान की सबसे पहली जो दरसगाह है वो अपनी माँ की गोद है। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरी माँ जो है वो ये नसीम इजाज़ी साहब के जो नावल हैं, तारीखी नावल, वो मुझे बजाय कि एक फिक्शन स्टोरीज मुझे सुनाती, वो तारीख मुझे पढ़ के सुनाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। शायद वही एक टाइम था जिसमें मेरे अंदर ये राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप हुई और बाद में मैं राइटर बन गया। उर्तुगुल ड्रामा, उसके अंदर प्योर एक इस्लामिक टच दिया, तो वो बड़ी उसे मकबूलियत मिली, तो आपने भी वालदा मोहतरमा से इस्लामिक स्टोरियां सुनी हैं, तो क्या वालदा की सुनी हुई स्टोरियां कोई प्रोजेक्ट उस पर भी करेंगे आप? नहीं, ज़रूर करेंगे, लेकिन देखें अर्तुगुल हुआ या दूसरे इस किस्म के जो कॉस्ट्यूम और तारीखी जो पस मंज़र में बनाए गए ड्रामे हैं, उन पे बहुत खर्च होता है और उसमें इदारे इन्वॉल्व होते हैं और वो फंडिंग करते हैं और तब जाके वो एरा क्रिएट होता है। तो हम तो छोटी छोटे बजट की फिल्म बनाते हैं और हम मजाक नहीं कर सकते तारीख के साथ कि हम तारीख को वो पीछे बिजली की तारें नज़र आ रही हों, पोल नज़र आ रहे हों, और जो आपका सिपा सलार है उसने घड़ी बांधी हो या कुछ ऐसा हो, तो वो हो नहीं सकता। इसके लिए एक पूरा एक क्रू होता है, पूरी एक जो वर्क करता है, जो प्रॉप्स बनाता है, सेट्स बनाता है, कॉस्ट्यूम बनाता है, फिर जाके। तो इट्स नॉट स्मॉल जॉब कि मैं कहूँगा जी मैं बना लूँगा, तो मुझे ऐसे काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। अच्छा सैयद नूर साहब, अगर मूवी एक्शन करें तो कामयाब हो सकते हैं, तो अगर इलेक्शन लड़ें तो कामयाब हो सकते हैं? नहीं। उसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए हर आदमी अपने एक प्रेजेंस रखता है अपने काम में, तो मेरा काम, मेरी प्रेजेंस जो है वो फिल्म ही है। ना मैं कर सकता हूँ ये सियासत, ना मुझे आती है, ना मुझे पसंद है, तो लिहाजा जो मैं काम कर रहा हूँ वो। पहचान वो होती है जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं होती। पाकिस्तान में बड़े बड़े कामयाब प्रोजेक्ट करने वाले डायरेक्टर मौजूद हैं, वो लोगों के अंदर आते हैं,
तारफ़ करवाना पड़ता है कि मैंने फलां प्रोजेक्ट किया, लेकिन सैयद नूर साहब जब भी कहीं भी जाते हैं एकदम एक पहली निगाह पड़ती तो पता चल जाता है ये सैयद नूर साहब हैं, एज ए डायरेक्टर आपकी पहचान है, इसकी क्या वजह है? अल्लाह का करम ही है, मैं तो नहीं समझता कि मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है या मैं बड़ा तुरम खां हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये तो अल्लाह का एक करम है कि उसने एक पहचान दे दी है, लोग प्यार करते हैं। बस ये है कि मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया है और काम साफ़ सुथरा किया है, ऐसा काम किया है जो मैं अपनी बेटियों के साथ बैठ के देख सकूँ, ताकि दूसरों की बेटियों ने देखना है सिनेमा हॉल में आके, तो लिहाजा वही शायद मेरी एक स्किल जो है वो पहचान बन गई, तो बाकी इतना बड़ा कोई काम नहीं किया। चूड़ियाँ, फिर उसके बाद मेहंदी वाले हाथ, चूड़ियाँ के अंदर हाथ में वो बट्टे पकड़ा दिए कवा उड़ाने के लिए, मेहंदी वाले हाथ, पाँव में इश्क की जंजीरें डाल दी गई, फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें भी कोई ऐसा है? अभी तो बड़ा बारूद का दौर है, बम धमाकों का दौर है, अब क्या हो रहा है इसमें? नहीं, धमाके तो खैर बहुत हो रहे हैं और टीवी दिखा भी रहा है और अखबार भी भरे पड़े हैं, फिल्म एंटरटेनमेंट है, यहाँ लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, तो लिहाजा मेरी फिल्म में एंटरटेनमेंट है। और अभी तेरे बाजरे दी राखी कंप्लीट है, ईद पे लगेगी, और इंशाल्लाह दूसरी फिल्म जो है ललकारा सिंह इन लाहौर, ये बड़ी ईद को लगेगी। फिर भाई वांटेड है मेरी एक फिल्म पेंडिंग, वो लगेगी। फिर एक प्राइस ऑफ ऑनर है, ऑनर किलिंग पे जो बनाई है वो, यानी कि छोटी ईद पे बड़ी खुशी दे रहे हैं आप आवाम को और बड़ी ईद पे डबल बड़ी खुशी डबल बड़ी ईद पे बड़ी डबल खुशी जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया योलका जी, बहुत शुक्रिया।